तो से सामना करने के लिए अब रोजाना बैठकें तो शुरू हुई हैं रोजाना ये चीजें शुरू हुई हैं कि वो ट्रेन की वो व्यवस्था जो अलग अलग इलाकों तक ऑक्सीजन को, को पहुंचाए या फिर लोगों का ऑक्सीजन के, के, के लिए हर तरफ त्राहिमाम है तो इसका समाधान कैसे मिलेगा एक तरफ सरकारें अपनी तैयारी कर रही हैं दूसरी तरफ आम आदमी इस समय अगर एकदम आपात स्थिति हो तो आपको क्या करना चाहिए कोरोना होने की सूरत में ऑक्सीजन का लेवल आपका कैसा होना चाहिए बहुत सारे सवाल आप सबके मन में उठ रहे होंगे इस समय चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक सेठ चेयरमैन, फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट डॉक्टर अरविंद कुमार चेयरमैन, सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता डॉक्टर राजेश मल्होत्रा चीफ ऑफ कोविड फैसिलिटी एम्स और डॉक्टर सम्राट शाह जो कि इंटरनल मेडिसिन के एक्सपर्ट है मुंबई से ये सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका सबसे पहले मैं उन जो लोग जिन चीजों का सामना कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहूंगी एक तरफ होती है वो समस्याएं जो हर एक अस्पताल चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो सबको इसका सामना करना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन है तो बेड्स नहीं है वहां पर कि वो मरीजों को जो उनके गेट्स के बाहर खड़े हैं उन्हें भर्ती करा सके इसीलिए मैं आप सबसे सबसे पहले यह समझना चाहती हूं कि इस समय यह स्थिति इतनी मुश्किल इतनी विकट क्यों नजर आ रही है डॉक्टर सेठ की एक, एक सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं इस बार क्या स्ट्रेन ऐसा है कि वो हर एक व्यक्ति में इसी तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं अस्पतालों के बाहर सिर्फ ऐसे मरीजों की लाइन लगी है जो जो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में दिख रहे हैं जी आई थिंक uh, इस बार तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो जिस हिसाब से मल्टीप्लाई किया है और 400 परसेंट गुना केसेस पिछले तीन हफ्ते में ही हो चुके हैं पूरा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेलम हो चुका है हेल्थ केयर सिस्टम हम हमेशा समझते थे कि बेड्स और थोड़े वेंटिलेटर्स और ये बट जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस हैं उसी तरह से सिवियरिटी अभी भी वही है कि 10 परसेंट लोग सीवियर हो लोग होंगे 5 परसेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स पर जाएंगे बट एज एब्सोल्यूट नंबर्स आप देख ही रहे हो कि कितने नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं कितनी हमारी पॉजिटिविटी रेट है और उसके हिसाब से हेल्थ केयर सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेलम हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में यही आता है कि वेंटिलेटर्स ऑक्सीजन अच्छा ड्रग्स की बात हो रही थी अब जब ऑक्सीजन की बात होती है तो रियली really, अब जो हम एज अ डॉक्टर एज एन एमरजेंसी में बैठे हुए हैं या वार्ड में बैठे हुए हैं हमें अनफॉर्चुनेटली 50 से 100 लोगों से रोज बात करनी पड़ती है और हमें दहशत हो रही है क्योंकि हमें उसमें हमारे रिलेटिव होते हैं फ्रेंड्स होते हैं दूसरे पेशेंट्स होते हैं और उनकी ऑक्सीजन कम होती जा रही है बट हम एडमिट नहीं कर पा रहे हैं सो इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बट हमने ये वेस्ट में देखा था और वो वेस्ट के विजुअल्स फर्स्ट वेव के हमें हमेशा दहशत करते थे बट उनके सिस्टम में ओवरवेम जब होता है तो फिर भी एम्बुलेंसेज होती है पेशेंट को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना नहीं पड़ता है पेशेंट को खुद बेड नहीं ढूंढना दून पड़ता है सिस्टम और गवर्नमेंट उनको बेड ढूंढ के देती है या अगर वो एम्बुलेंसेज भी तो हाई लेवल ऑफ केयर चलती रहती है आपको याद होगा एक दृश्य जबकि आठ किलोमीटर लंबी लाइन एम्बुलेंस की थी अस्पताल में घूमने के लिए बट उसमें हर पेशेंट को पूरी तरह से ऑक्सीजन और ट्रीटमेंट मिल रही थी सो so अनफॉर्चुनेटली हमारी सिचुएशन ये है कि इसमें पेशेंट्स को अनफॉर्चुनेटली जाने भी जा रही हैं और वो जो दृश्य आप दिखाते हैं वो सही है क्योंकि हम एज अ डॉक्टर एज अ फ्रंट फ्रंटलाइन वर्कर उसको फील कर रहे हैं बट फिर भी मैं कहता हूं कि पैनिक नहीं हमें एज रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स अभी भी पेशेंट्स को जितनी कोशिश से हम उनको घर में ट्रीट कर सकते हैं जितनी कोशिश से उनको समझा सकते हैं जितनी कोशिश से हम उनकी ट्रीटमेंट को एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं वो होम केयर और घर पे ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हो सकता है कि उसमें बीस पच्चीस ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी ट्रीटमेंट करके घर में रह के भी बेटर हो सकते हैं और सबको अस्पताल आने की जरूरत ना हो सो so, ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जिसपे कि हम कॉन्फिडेंस रखें हम अपनी कमिटमेंट्स रखें और हम पेशेंट्स के साथ बात करते रहें एम्पैथी देते रहें और अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करते रहें बट अनफॉर्चुनेटी सिचुएशन इज ऐसे हमने अपनी जिंदगी में न कभी सोचा था देखेंगे और न कभी देखिए चालीस पचास साल से हम लोग सब चालीस साल से इसी प्रोफेशन में हैं इट इज़ रियली समटाइम्स वेरी डिस्ट्रेसिंग